तो आज हम लोग जो समझने वाले हैं, ये एक हमारे पास एक मशीन है जिसको हम लोग बबल रिमूवर मशीन बोलते हैं। जैसे जितने भी आजकल के तौर पर देखा जाए, जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आते हैं, सभी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में ऊपर आपका क्या लगा होता है? टच ग्लास लगा होता है। क्या लगा होता है? टच ग्लास लगा होता है। अगर टच ग्लास अगर फूट जाता है तो टच ग्लास फूटने पर हमको क्या करना पड़ता है? इसे कटिंग करना होता है। क्या करना होता है? कटिंग करना होता है। प्रेजेंट टाइम पे इस समय पर देखा जाए तो इस मशीन उपयोगी इसलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि मार्केट में पहले ऐसा होता था कि ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन टच वाले आते थे, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो 90% मोबाइल फ़ोन ग्लास वाले आते हैं, टच वाले आना ही बंद हो गए। अच्छा, टच 120 रुपये की आती है, ग्लास सस्ता भी आता है। ग्लास 40 50 60 रुपये का ग्लास मिल जाता है, 10 15 20 रुपये का फ़र्क होता है, क्योंकि एक में ओसीए होता है, एक में बिना ओसीए होता है। ठीक, तो 50 60 रुपये का ग्लास मिल जाता है। आप ग्लास को लाएँ, इसको कटिंग कर दें। कटिंग करने के बाद जो पंचिंग होती है, पंचिंग हम लोगों को हाथ से करनी होती है। किससे करनी होती है? हाथ से पंचिंग कर देते हैं, सारा बबल निकाल देते हैं। लेकिन अगर उसमें हल्का फुल्का बबल रह जाता है, सही तरीके से पंच हाथ से तो भाई पंच करने से सही तरीके से पंच नहीं हो पाती, लेकिन एक छोटा सा जो बबल रिमूवर होता है, इसके माध्यम से बबल निकल जाते हैं। इसमें देखिए इतना स्पेस होता है कि आप जैसे ये इतनी बड़ी प्लेट है, ये पूरी अंदर इसके चली जाती है। इसके प्लेट जाने के बाद देखो पूरा मोबाइल फ़ोन है, मेरा मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन को रख देंगे और इसके बाद हम पूरा मोबाइल फ़ोन ऐसे डाल देंगे। देखिए पूरा मोबाइल फ़ोन घुस गया। आप बंद करना चाहेंगे, ये बंद हो गया। मतलब इसके अंदर इतना स्पेस है कि आप एक बार में दो कॉम्बो रख सकते हैं, तीन कॉम्बो रख सकते हैं दो। लेकिन अगर ज़्यादातर देखा जाए तो जो हम लोग रिपेयरिंग करने वाले थे, भाई एक ही कॉम्बो को तो पंच करेंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि पंचिंग की ही खाली दुकान खोल रखी है। एक फ़ोन आएगा कटिंग करेंगे पंच करेंगे, एक फ़ोन आएगा कटिंग करेंगे पंच करेंगे। एक दिन में हमारे पास 10 12 15 फ़ोन आते हैं। एक फ़ोन को पंच करने में मात्र 5 मिनट का समय लगता है। 5 मिनट के लिए हम लोग इसके कॉम्बो को डालना होता है। कॉम्बो लिया, कॉम्बो को इसमें रखा, रखने के बाद ऐसे रखने के बाद अंदर डाल देते हैं। उसके बाद इसको लॉक जो है इसको आसानी से ऐसे बंद कर देते हैं। खुल गया, ये बंद हो गया। अच्छा, ये जो M1 Pro जो है, ये कंप्रेसर के अंदर एक खासियत है कि इसमें अलग से भी लगा सकते हैं। कल को मान लिया इसके अंदर की मोटर तुम्हारी ख़राब हो गई, तो तुम चाहते हो कि हम अलग से लगाना चाहते हो तो आप अलग से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात क्या है कि इनबिल्ड होने का हमको फ़ायदा ये है कि हमको जो 6000 रुपये का अलग से जो सिलेंडर वाला टैंक आता है, वो सिलेंडर हमको नहीं लेना पड़ता, वो सब कुछ इसी के अंदर फिट कर दिया गया है। फिटिंग में क्या सिस्टम है कि पहले हम लोग इसमें पावर केबल लगा देते हैं। पावर केबल लगवाने के बाद मशीन को हम लोग क्या करेंगे? ऑन करेंगे। जैसे मशीन ऑन करेंगे तो मशीन आपकी ऑन हो जाएगी। जब मशीन ऑन होने के बाद फिर देखिए यहाँ पर सेटिंग पैनल्स आ जाते हैं। सेटिंग पैनल के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये सेटिंग जो पैनल होते हैं, इस सेटिंग पैनल के अंदर एक ये सबसे पहला ऑप्शन जो होता है, इसे स्टॉप वाला बटन बोलते हैं, लिखा भी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है बिल्ट इन कंप्रेसर। बिल्ट इन कंप्रेसर का मतलब होता है जो इसके अंदर कंप्रेसर फिट है ऑलरेडी पहले से। ये है एक्सटर्नल कंप्रेसर। एक्सटर्नल कंप्रेसर का यहाँ पर बटन दिया हुआ है और एक्सटर्नल कंप्रेसर को लगाने के लिए यहाँ पर पाइप का ऑप्शन दिया है। इस तरीके से आपका पाइप इसके साथ में आता है। पाइप को आप लेंगे और इसमें इसे घुसेड़ देंगे, बस पाइप हमारा लग जाएगा। और ये जो दूसरा वाला पाइप है, इसको हम कहाँ लगा देते हैं? सिलेंडर में लगा देते हैं। बस सिलेंडर से हवा इसमें आएगी, भरेगी। ये इसमें मोटर दिया हुआ है, ये आपका सिर्फ क्या बताता है? कंप्रेसर बताता है। हम लोगों को मतलब डिस्प्ले को पंच करने के लिए कम से कम 70-80 प्रेशर देना होता है। 70-80 प्रेशर का मतलब होता है, ये वही वाला प्रेशर होता है जो तुम मोटरसाइकिल में हवा भराते हो। मोटरसाइकिल में हवा भराने पर उसमें बोलता है कि भैया पीछे वाले टायर में कितना भरना है? 40 भरना है। आगे वाले में कितना भरना है? 30 भरना है। तो ये कैसे होता है? ये वही तो एक दबाव है, उसी तरीके से इसके अंदर भी दबाव, वही प्रेशर इसमें भी यूज होता है। अगर आप इतना प्रेशर कहीं और से भी दे देते हो तब भी इसके अंदर हवा भर जाएगी। इसके अंदर कोई हवा ऐसे नहीं कोई नई चीज़ हवा भरती हो, यही जो हम लोग सांस लेते हैं जो जनरल हवा होती है, यही इसके अंदर भर जाती है। आप देखिए मशीन को हम लोग चालू करेंगे, कैसे काम करेगी। ये देखिए इसमें रोटेटर दिया, अगर 5 कर देंगे तो 5 पे प्रेशर जाएगा, 4 कर देंगे तो 4 का प्रेशर जाएगा, और 6 कर देंगे तो 6 का प्रेशर जाएगा, 7 कर देंगे तो 7 का प्रेशर जाएगा। तो हम लोग बाई डिफ़ॉल्ट 6 का प्रेशर रखते हैं। कितना रखते हैं? 6 का प्रेशर रखते हैं। कम से कम 5-6 मिनट समय के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये टेम्परेचर का ऑप्शन दिया है। इसके अंदर एक हीटर प्लेट लगी होती है, हीटर एलिमेंट होता है जिससे टेम्परेचर सेट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सेट में जाएंगे और इसका जो टेम्परेचर सेट करते हैं वो आप चाहो तो 120 तक सेट कर सकते हो। देखिए 120 वही टेम्परेचर है जो सेपरेटर वाला होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो इसका टेम्परेचर सेट करते हैं तो टेम्परेचर कितना सेट करेंगे हम लोग? 60-70 पे सेट करते हैं। कितना सेट करते हैं? 60 या 70।
क्योंकि 60-70 टेम्परेचर सेट करने पे हमारा ओसीए क्या हो जाता है, ढीला हो जाए, ढीला हो जाता है, 80 पे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे, हमारा सेट हो गया। अब यह 40-50-80 तक गर्म होते हुए जाएगा, उसके ज़्यादा गर्म नहीं होगा नहीं होगा। अब आपने क्या किया कि इसको मशीन को 6 पे सेट कर दिया। सेट करने के बाद सिंपली सी काम्बो आपने इसके अंदर काम्बो को डाल दिया। काम्बो डालने के बाद इसको लॉक को बंद कर देना, यह ध्यान रखना है। उसके बाद मशीन को चालू कर देंगे। जैसे आप इस बटन को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट बटन करते ही यहाँ पर सुई चलना चालू हो जाएगी। देखिए हमने इसको स्टार्ट किया, चालू हो गई मशीन में ड्रर ऐसी आवाज़ आएगी। ये देखो सुई चालू हो गई, ये कंप्रेसर है जो इसमें हवा भर रही है। देखिए इसमें 90 प्रतिशत तक हवा चलेगी। तो जैसे ही 90% तक हवा जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, काम पक्का हो गया। भैया 90% तक चलेगी, हमको कितना प्रतिशत देना होता है, 90% देना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 पे सेट करते हैं। कितना सेट करते हैं, अब इसके अंदर काम्बो को पड़ा रहने दो जी। कितने देर के लिए पड़ा रहने दो, 5 से 6 मिनट। 5 से 6 मिनट के लिए, 5 से 6 मिनट पड़ा रहेगा। उसके अंदर दबाव होगा, इतना अच्छा दबाव होगा कि सारा बबल निकल जाएगा और आपको बिल्कुल चमकता हुआ ऐसा ब्लैक काम्बो निकलेगा, साफ सुथरा जी। ठीक, 5 मिनट तक गुरुजी ये अपना टेम्परेचर 80 को भी पकड़ लेगा। हाँ, हीट और दबाव की वजह से गैस निकल जाएगी। हाँ, हीट और दबाव की वजह से, हीटिंग की वजह से क्या होता है, ओसीए ढीला हो जाता है। जब ओसीए ढीला हो जाएगा तो ओसीए ढीला होने से हमको ये फायदा रहता है, हवा निकल जाएगा और हवा निकलने से वो अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, पंच हो जाएगा। तो हाँ, हवा भरने के बाद कोई बटन नहीं दबाना था, हवा भरने के बाद कोई बटन नहीं दबानी, सिर्फ तुमको 5 मिनट समय का इंतजार करना है। ठीक, अगर मान लिया उसमें एक आध बबल रह जाता है, एक दो बबल रह गया तो और डाल दो 5 मिनट के लिए। अब इसमें कोई 5 मिनट फिक्स नहीं है, तुमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि 5 मिनट 7। अगर तुमको 10 मिनट भी पड़ा रहेगा तो कोई तकलीफ नहीं है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, सिर्फ हवा भर रही है। क्या भर रही है, हवा भर रही है। वो हवा भरी हुई है, उस हवा के माध्यम से जो बबल्स हैं वो सारे बबल्स बाहर निकल जाते हैं। ठीक, हवा भर गई। जैसे आप इसको स्टॉप करेंगे तो स्टॉप करते ऐसे आवाज आएगी और सारी हवा क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। देखिए ये हवा निकल गई, मान लिया इसमें एक आध बबल है। अच्छा एक बात और है, जब इसमें हवा भरी है तब आप इस ढक्कन को नहीं खोलेंगे। अगर हवा भरी है तो ढक्कन को खोलेंगे तो फटाक से ऐसे ऐसे फेंक देगा और आपको काम वो दूर गिरेगा जा करके, क्योंकि इसके अंदर हवा भरी होती है। अब वो टूट भी जाएगा। अगर मान लिया कभी तुम्हारी रबड़ ख़राब हो जाती है तो कंपनी इसके साथ में 2 रबड़ स्ट्राउ देती है जी। ये रबड़ कभी चूहे खा जाते हैं, कभी काट देते हैं, कभी ऐसा कुछ हो जाता है, वरना एक रबड़ कभी ख़राब नहीं होती, गलती वलती नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसे बंद करेंगे, अगर आप अंदर देखेंगे तो इसके अंदर गर्म भी हो जाता है। अगर आप लोग हाथ डाल के देखेंगे तो देखो टेम्परेचर है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक गर्म है सर, ये ऑलरेडी गर्म है। अच्छा एक बात और फायदा है, अगर आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन आता है, अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कर रहे हैं तो रिपेयरिंग करते समय ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल फ़ोन में इसका यूज सिर्फ पंचिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। अगर मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन आ जाता है और मोबाइल फ़ोन को खोलने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि आजकल जितने मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं बिल्कुल मोबाइल फ़ोन चिपके होते हैं। कैसे होते हैं, चिपके हुए, इसका पीछे का बैक कवर कैसा होता है, ये चिपका होता है। अब ये चिपका होता है तो ये खुल नहीं रहा है, तो खुल नहीं रहा, हाँ बिल्कुल, तो खुल नहीं रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ले लीजिए, इसके अंदर डाल दीजिए। हम अपना ही मोबाइल फ़ोन डाल देते हैं, ख़राब हो जाएगा तुमको देना पड़ेगा। ठीक तो हमने इसको डाल दिया, अब डालने के बाद क्या होगा कि ये ढीला हो जाएगा, क्या क्योंकि इसके अंदर हीटिंग है, हीटिंग का मतलब समझ रहे हो, इसके अंदर ऐसा इन्वायरमेंट जनरेट हो गया जैसे ओवन, ओवन नहीं होता कि जिसमें ओवन माइक्रो ओवन अपने रोटी के पराठा गर्म कर लेते हैं, पेटीज गर्म कर लेते हैं, नहीं ऐसा होता है, उसी तरीके से ये ओवन की तरह भी काम करता है जी। इसमें आपने रख लिया, अब ये नहीं कि तुम 2 रोटी रख के गर्म कर लेना इसमें तो हमको क्या करना है, इसमें मोबाइल फ़ोन रख दिया, तो जब मोबाइल फ़ोन रख दिया तो मोबाइल फ़ोन चारों तरफ से गर्म है, क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। जब चारों तरफ से गर्म होगा तो इसका ग्लू क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। जब ग्लू ढीला हो जाएगा तो आसानी से पीछे का बैक ग्लास खुल जाएगा जी। अच्छा उसमें जब हम सेपरेटर में ऊपर से रखते हैं तो उसमें एक ही तरफ से गर्म होता है जी, इसमें चारों तरफ से गर्म होता है, क्योंकि हीटिंग होती है, निकलती तो है नहीं, ऐसे भट्टी की तरह चारों तरफ हीटिंग भरी होती है, तो चारों तरफ से ढीला कर देता हूँ। तो इससे ये फायदा भी बहुत अच्छा रहता है कि हमको फ़ोन खोलने में बहुत आसानी रहती है। अगर आप देखिए मैं अभी निकालूंगा तो पूरा मोबाइल फ़ोन क्या हो गया, गर्म हो गया होगा, ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, देखो ये पूरा फ़ोन गर्म हो गया, देखिए गर्म हो गया पूरा। अगर खोलेंगे तो आसानी से खुल जाएगा। हाँ बिल्कुल, जैसे मैं इसमें हाथ लगाऊंगा देखो
ये देखो पीछे का बैग ढीला होने लगा, ढीला हो गया ना, अब लाओ तुम्हारा भी खोल के दिखाता हूँ। तो इस तरीके से क्या है कि हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं तो वो मोबाइल फ़ोन हम लोग खोलने के लिए भी बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए जैसे आपने मोबाइल फ़ोन दिखा था, अपना मोबाइल फ़ोन दिखाइए, मशीन चालू नहीं करना मोबाइल डाल के ना, नहीं फिर काय को चालू करना है, हमको हवा थोड़ी ना बनना है, हमको तो सिर्फ वो गर्म हो रहा है, वो अपने मन से गर्म हो रहा है। अब देखो जैसे ये मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन में एक दिक्कत है कि जब इसको तुम सेपरेटर पर रखोगे तो कैमरा लगा है, तो कैमरा का अगर उठा रहेगा तो गर्म नहीं होगा। ये ग्लास है, इसमें टूटने का चांस रहता है, इसको लीजिए, इसको अंदर डाल लीजिए, मतलब उल्टा डाल दीजिए, उल्टा सीधा कैसा भी डाल दो कोई दिक्कत नहीं, तुमको तो गर्म करने से मतलब है। अब इसको रख दिया, अभी देखो 70-80 से टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जाएगा जी। अब ये क्या होगा, गर्म हो रहा है, तब तक तुम कोई दूसरा काम कर रहे हो, ये गर्म हो गया, गर्म होगा ढीला हो जाएगा। अच्छा कस्टमर एक बात और है, कस्टमर आउट देखेगा, कस्टमर देखेगा अच्छा हमारा मशीन से मोबाइल फ़ोन खुला है, राइट। हाँ भाई, कोई भी आपके पास जब काम करवाने के लिए आता है तो सबसे पहले ये देखता है कि आपके पास औजार कैसे हैं जी। अगर तुम वही आयरन का या पेच का स्क्रू लिए बैठे हो तो सोचेगा भाई देसी मिस्त्री है। हाँ। एक तो दूसरी बात क्या है, अगर आपके पास औजार मजबूत हैं तो औजार देख के ही आदमी काम समझ में आता है। दूसरी बात क्या, औजारों से काम बेहतर होता है जी। भाई लड़ाई किससे लड़ी जाती है, औजारों से लड़ी जाती है। हाथ पैर तो सबके हैं लेकिन औजार सबके नहीं है, औजार उसी के पास हैं जिसको चलाना आता है। अब यहाँ पर हमने डाल दिया, डालने के बाद क्या होगा, ये देखना गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका ढीला हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, देखो ये पीछे से गर्म हो गया। अब हम इसको जैसे ही इसको धीरे धीरे करके करेंगे तो ये देखिए ग्लास हमारा क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। तो हमारा खोलूंगा नहीं तो फिर इसको भी खोल देंगे, तो बिल्कुल ढीला हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो ऐसे हम जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं तो मोबाइल फ़ोन को ओपनिंग के तौर पर इसको बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और किसी में हम अपने टच और अपने फोल्डर को इसमें डाल के हीट करके फिर कटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन कटिंग के लिए इस्तेमाल करने का मतलब होता है कि हाँ बिल्कुल आपने सही बात करी कि बहुत ऐसे मोबाइल फ़ोन आते हैं जिनमें हम लोग क्या करते हैं कि मतलब ग्लास लगा होता है, तो ग्लास लगे होते समय हम लोग क्या करते हैं, खोलते नहीं है, ऊपर से ही कटिंग कर देते हैं। कैसे कटिंग कर देते हैं, ऊपर से कटिंग कर देते हैं। जब ऊपर से कटिंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन को आप ऐसे अंदर डाल दीजिए, फ़ोन गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है तो उसको निकालिए, फिर से कटिंग कर लीजिए, फिर नहीं हो रहा तो फिर गर्म कर लीजिए। एक तरीके से आपका ये सेपरेटर है, आप देखेंगे अगर उंगली टच करें, उंगली डालें अंदर और हाथ कंटिन्यू रख नहीं सकते, है ना, क्योंकि इसमें आपको 75 का टेम्परेचर मिलेगा, 75 का टेम्परेचर मिलेगा, 75 का टेम्परेचर है। अच्छा जितने पे हमने सेट कर रखा उतना ही टेम्परेचर होगा, 80 सेट की अभी तक तो इंक्रीज हो रहा है ना, 7 बढ़ रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, हम मोबाइल फ़ोन की कटिंग भी कर सकते हैं। हाँ लेकिन इसमें वो काम नहीं है कि वो प्रेशर वाला सिस्टम नहीं कह रहा कि प्रेशर, वो प्रेशर के लिए सेपरेटर हम लोग अलग से यूज कर सकते हैं। तो ये एक मशीन है, एक मशीन से हम लोग इसके 3-4 काम कर सकते हैं, फ़ोन में ग्लास खोलने का काम कर सकते हैं, फ़ोन खोलने का काम कर सकते हैं, कोई मोबाइल फ़ोन है उसका बबल से निकाल सकते हैं जो मेन जिस काम के लिए है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे सहायक काम कर लेती है जिससे हमको रिपेयरिंग करने में क्या रहती है, मदद मिलती है। अगर आजकल को दौर पर देखा जाए तो अगर तुम्हारे पास दुकान में 10 मोबाइल फ़ोन आएंगे तो 10 में से 5 मोबाइल फ़ोन तो सिर्फ डिस्प्ले के होंगे जी। क्योंकि मोबाइल फ़ोन का सबसे बड़ा दुश्मन काम्बो है जी। और काम्बो इसलिए क्योंकि कांच का है, उसका लोहे पत्थर का प्लास्टिक का तो बनाया नहीं जा सकता, कांच का है, हाथ से फट से गिरा नहीं, टूटा नहीं। अगर आदमी का मोबाइल फ़ोन गिर जाए तो भले उसका मोबाइल फ़ोन डेड हो जाए लेकिन सबसे पहले देखता है फूटा तो नहीं। सही बात। जैसे आदमी का एक्सीडेंट होता है ना तो पहले आदमी देखता है टूटा तो नहीं, चाहे आदमी मर जाए सही बात मर जाए इससे कोई चिंता नहीं है, लेकिन पहले ये देखता है फूटा तो नहीं है, है ना सही। क्योंकि ऐसा नहीं कि आदमी का एक्सीडेंट होता है तो गिरने से ही मर जाता है, कुछ तो इतना गम खा जाता है मर गए, एक्सीडेंट हो गया तो बीच में तो ऐसे ही मर जाते हैं। तो उसी तरीके से क्या रहता है कि मोबाइल फ़ोन को गर्म करने के लिए इसका यूज करते हैं, कटिंग करने के लिए यूज करते हैं और पंचिंग करने के लिए करते हैं। मेन किसके लिए करते हैं, पंचिंग करने के लिए यूज करते हैं, पंचिंग करने के लिए। देखो फिर से चालू करेंगे, इसके अंदर हवा भरने लगी, देखो 80 टेम्परेचर हो गया है। जैसे ही 90 तक जाएगा अपने मन से बंद हो जाएगा, हमने सेट, अब तुमको कुछ नहीं करना, तुमको खाली घर में जाकर बटन दबाना है, कस्टमर से पैसे लेने, बस दो काम करने हैं तुमको।
ये हवा निकल प्रेशर रिलीज। ठीक है, मशीन को हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया।